नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और आज आपके लिए लाया हूं मैं टाटा नेक्सोन XM मॉडल 2019 का ओनरशिप रिव्यू। इंडिया की सेफेस्ट कारों में से एक है ये। इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है NCAP के द्वारा। क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। अच्छा तो भाई साहब ये बताइए कि यही गाड़ी क्यों? भाई पहले मेरे पास थी वैगनआर CNG। अच्छा जी। तो मैंने वो गाड़ी बेच दी। अच्छा जी। और मैंने फिर ली नेक्सोन, क्योंकि मेरे को शुरू से पसंद थी नेक्सोन गाड़ी। अच्छा, जब आई थी इसकी 5 स्टार रेटिंग थी उसमें। अच्छा, सेफ्टी फीचर्स को देखते हुए तो 5 स्टार रेटिंग थी इसकी। हाँ, सेफ्टी पर्पज था। हाँ, क्योंकि मेरा हर हफ्ते पानीपत का रूट रहता है। अच्छा, तो इसलिए भाई सेफ्टी जाया करती, फैमिली जाया करती। अच्छा, वैगनआर में कोई सेफ्टी थी नहीं। अच्छा, तो इसमें 5 स्टार रेटिंग थी और सेफ्टी बहुत बढ़िया थी इस गाड़ी की। और ये आपने पेट्रोल में ली फिर? हाँ, मैंने पेट्रोल में ली गाड़ी, क्योंकि पेट्रोल में इसका पिकअप बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, अरे भाई पेट्रोल फेल हो गया, महंगा। तो आपने पेट्रोल वर्जन ही क्यों लिया, डीजल वर्जन ले लेते इसका? मैंने पेट्रोल वर्जन इसलिए लिया इसकी, क्योंकि एक तो उसकी 15 साल की होती है, डीजल की 10 साल होती है और पेट्रोल की 15 साल होती है। सर वैगनआर बढ़िया थी, वैगनआर भी, लेकिन मेरी गाड़ी बस कहीं पे हो गई थी एक्सीडेंट, इसलिए मैंने गाड़ी चेंज कर ली थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपका पेट्रोल लेने का यही एक रीज़न था? हाँ भाई। हाँ। और फिर आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करवाई है मैंने सुना है? मैंने इसमें करवाई CNG। अच्छा जी। हाँ जी। आपने मतलब कि कंपनी की वारंटी अवॉइड करके? हाँ। और आपने इसमें CNG लगवा दी, तो अब कैसा फीडबैक है आपका? भाई मेरा फीडबैक ऐसा है कि जैसे बोलते हैं लोग 2021, तो गाड़ी में पेट्रोल के वर्जन 19-21 का फर्क है। अच्छा, ठीक है, लेकिन यानी कि कोई भी वो नहीं है कमी। 19-20 कहते हैं, लेकिन आप 19-21 का बता रहे हो फर्क। अच्छा, पिकअप में फर्क आया? हल्का सा पिकअप फर्क है कि टर्बो इंजन है गाड़ी में। अच्छा, मेन तो। और जो इसमें CNG लगी है वो लगी OPD2। अच्छा जी। और गाड़ी लगती है OPD1 CNG। अच्छा, फिट लगती है जो। अच्छा जी। हाँ, अब तक आपको कोई इस गाड़ी में मतलब कि CNG लगवाने के बाद कोई दिक्कत आई हो? क्या एवरेज दे रही है अब, और पहले क्या एवरेज देती थी? पहले देती थी 12 की एवरेज पेट्रोल में। अच्छा, अगर लंबे रूट पे जाओगे लास्ट 15 आ जाएगी। और कंपनी कितना क्लेम करती है? कंपनी करती है इसका 17-18। अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है, 15 तो देगी। हाँ, लेकिन 12 लोकल में 12, हाईवे पे 15। और आप कह रहे थे आप एक लॉन्ग टूर गए थे, कहाँ? पानीपत ही गए थे? पानीपत में 16 CNG भराई थी और गुड़गांव में आ भी गया। हाँ। और 2 दिन ऑफिस में चला गया। तो कितने की एवरेज निकाली थी गाड़ी ने? 20 ऊपर की एवरेज CNG ने। अच्छा, काफ़ी बढ़िया एवरेज है, 20 तो ठीक है। मतलब कि बाहर की अगर यही है, थोड़ा सा आप देख सकते हो गाड़ी भी बड़ी है, तो उसी हिसाब से CNG भी थोड़ा ज़्यादा ही ले रही है। और इस गाड़ी का वैसे फ़िलहाल तो कोई कंपटीशन है नहीं, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV में आपको यही गाड़ी मिलती है जो आप CNG में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से कैसी लगती है, और पीछे बूट स्पेस जो है इसका वो किस प्रकार का रह रहा है CNG का सिलेंडर लगवाने के बाद। पहले बूट स्पेस कहाँ से खुलता है भाई साहब इसका? भाई साहब बढ़िया वाला, बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर दे रखा है ये, देखिए। मतलब आपको SUV की कोई कमी नहीं लगेगी इस गाड़ी में, बस आप ये सोच लो अंदर से बैठने के बाद तो बिल्कुल SUV ही लगती है। ये भैया ने CNG लगवा रखी है, इसमें ठीक लगा रखी, बाहर से भी लगवा रखी, फिर भी ठीक क्वालिटी ठीक है इसकी, इतना कुछ हुआ नहीं है। और बूट स्पेस भी बच गया आपका थोड़ा, यानी कि बिना CNG सिलेंडर के इसमें काफ़ी बूट स्पेस था। ये आप देख, तो इसके साथ आपको ये फ्लिप की मिल जाती है, ये थोड़ा सा अब हो गया ओल्ड स्कूल, उस टाइम में तो ठीक था अपने उस हिसाब से। तो थोड़ा सा सीट को पीछे कर लेता हूँ, नहीं तो फ़ोन ये कैमरा फोकस नहीं कर पाएगा। आप ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट करी CNG में। पेट्रोल में यही फ़ायदा होता है, बिल्कुल साइलेंट कार होती है, कोई बाहर की कोई नॉइज़ नहीं, इंजन की कोई नॉइज़ नहीं। अभी मैंने दरवाज़ा भी खुला छोड़ रखा है। आपको इस मॉडल में ये देख सकते हो आप, इसका इंटीरियर काफ़ी एलिगेंट लुक दे रखी है इसमें।
आप ये आपको सारे इसका सिस्टम है ये हर, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। और ये देखिए स्टेयरिंग में इसके सारे कंट्रोल्स हैं, कॉल, पिकअप, ड्रॉप, ये आपकी वॉल्यूम। यहाँ पे आपको इसके एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मैनुअल एसी कंट्रोल्स है। ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा है। ये डिक्की खोलने के लिए, बूट खोलने के लिए, बूट स्पेस खोलने के लिए आपको एक बटन दिया गया है यहाँ पे। और इसमें तीन मोड्स हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। ये देखिए मैं अभी चेंज करूँगा, सिटी मोड पे है, अब इको मोड पे हो चुकी है और अब स्पोर्ट्स मोड पे हो चुकी है। स्पोर्ट्स मोड पे आते के साथ ही गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है। आप जैसे देखना, अभी मैंने ये कैमरा स्टेयरिंग पे रख रखा है तो थोड़ा हिल रहा है। अब जैसे ही इको पे आएगा ये हिलने लगा, सिटी पे आएगा ये और हिलने लगा। तो मैं अब इसको स्पोर्ट्स मोड पे कर देता हूँ और फिर आप देखिए, ये देखिए हमें तो डिफरेंस मालूम चल रहा है, आपको पता नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, काफ़ी डिफरेंस है। और मैं अभी आपको इसके पीछे की सीटिंग पोस्चर दिखाता हूँ। ये देखिए ये इसका कंट्रोल है सीएनजी का। अब आपको पीछे की सीटिंग का दिखाता हूँ मैं कि पीछे के पैसेंजर इसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं है। ये कर्टन रख रखे हैं भाई साहब ने, काफ़ी अच्छी गाड़ी, लेग स्पेस बहुत है आपका, एक पांच उंगल से ज़्यादा ही है, काफ़ी है लेग स्पेस मेरे हिसाब से तो। और इसमें पांच आदमी कंफर्टेबल रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। इंटीरियर भी इसका काफ़ी ठीक है, ये तो सीट कवर बाहर के हैं लेकिन इंटीरियर एज ए मीन्स ये आप देख सकते हैं दरवाजे की ये रेलिंग, ये पियानो फिनिश में है। इसमें पीछे भी आपके ट्विटर स्पेस है और स्पीकर भी हैं। ये टाटा वालों ने मार्केट में तहलका मचा रखा है, ये हरमन के स्पीकर दे रखे हैं। बताओ आपको अच्छी अच्छी गाड़ियों में नहीं मिलते हरमन के स्पीकर। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी मेरे को तो अच्छी लगी है, टाटा ने अपनी क्वालिटी में बहुत फ़र्क दिया है अपना, बिल्कुल ही अब ये समझ लो फैन बेस टाइप बना लिया अपना, बिल्कुल अलग कर चुके हैं, अपनी क्वालिटी सुधारी है जब से इन्होंने। अच्छा ये इसको खोलने के लिए है, आपका ग्लव बॉक्स खोलने के लिए यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है। और जब से इन्होंने टाटा वालों ने जैगुआर और रेंज रोवर को ख़रीदा है उसके बाद से ही इन्होंने अपनी क्वालिटी भी बहुत अच्छी कर ली है। सारे पता नहीं वहाँ के इंजीनियर यहाँ पे बैठा लिए क्या किया है। तो अब हम सचिन जी से फिर मिलाते हैं। तो सचिन जी आप इसके प्राउड ओनर हो, खुश हो पूरे 100%? अगर मान लो आप सीएनजी नहीं लगाते तो भी खुश थे? वो भी खुश थे हाँ, क्योंकि डेढ़ साल बाद लगवाई सीएनजी, डेढ़ साल बाद लगवाई है, 16,000 के बाद। हाँ मतलब कि आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए आपने सीएनजी लगवा ली। अगर इतनी नहीं होती, नहीं अगर आपकी डेली की रनिंग 10 से 15 किलोमीटर होती तो आप नहीं लगवाते, और हफ्ते में अगर पानीपत नहीं जाना होता तो नहीं लगवाते। ठीक है भाई साहब, तो इसकी टेस्ट ड्राइव और ले लेते हैं, सीएनजी में किस प्रकार की लग रही है, कैसी। इंजन वाइज तो कुछ है नहीं खास, तो अब इसकी एक राइड लेते हैं, टेस्ट राइड कह लो या नॉर्मल राइड कह लो। अभी सीएनजी में भाई साहब इसमें तो पता ही नहीं लग रहा है ये सीएनजी में है पेट्रोल में है। स्पोर्ट्स मोड पे है फिलहाल, मुझे लग रहा है मेरी स्विफ्ट बेच के मेरे को यही लेनी पड़ेगी। बेस्ट है ये, बेस्ट 20-22 की एवरेज, 50 रुपये किलो। ये समझ लो कि आप अगर पेट्रोल प्योर पेट्रोल में भी चलाओगे तो 100 रुपये का हो रहा है, 100 रुपये में 20 किलोमीटर चलेगी, खूब एवरेज लगाओगे। और आपकी 100 रुपये में ये 40 किलोमीटर चल रही है। हाँ ये है कि कंपनी वारंटी अवॉइड होती है इसमें, लेकिन ठीक है,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और इतना कुछ खो मतलब कि कुछ जा नहीं रहा हमारा, हमारी बचत ही हो रही है। मिडिल क्लास आदमी को हर चीज़ देखनी पड़ती है। काफ़ी ठीक है गाड़ी, ये देख सकते हो आप, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ये इसकी सीट बेल्ट का आ रहा है इंडिकेटर, जैसे ही थोड़ी स्पीड होगी ये मैं सेकंड गियर में उठा रहा हूँ गाड़ी को नॉर्मल, और आप देख सकते हैं स्पीड 40 पे जा चुकी है। थोड़ा सा जर्क आता है लेकिन ठीक है, गाड़ी ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, और सपोर्ट दिखाइए थोड़ा अपने भाई का। थैंक यू वेरी मच।